अपर सचिव राधा रूड़ी जी से बात करके आ चुका है और हमारे जो छात्र हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं, पर अभी कुछ लोगों के फोन आ रहे हैं कि उन्हें घेरा जा रहा है शहीद स्मारक के अंदर, जबकि ना वहाँ नारे लग रहे हैं ना कुछ। हमारी मांगे यही हैं कि 13 लोगों को बाहर निकाला जाए बिना शर्त पर, जो उन पर गंभीर धाराएं हैं। हमारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन हम लोग करेंगे, ना कोई नारे लगाएंगे। फिर भी शहीद स्मारक के अंदर से हमें वहाँ पे खबरें आ रही है, अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे कि क्या स्थिति रहती है। हम सिर्फ अपनी डेलीगेशन बाहर ही निकला है और वहाँ पे जोर जबरदस्ती वहाँ पर चल चुकी है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप लोग शांतिपूर्वक तरीके से जहाँ भी हैं समर्थन करें, जब तक हमारे 13 साथी वहाँ पे जो नॉन वेलिएबल वारंट हैं वो लोग बाहर नहीं आ जाते। और हम लोग अभी शहीद स्मारक की तरफ जा रहे हैं और डेलीगेशन में जो हमारी 3 मुख्य मांगे हैं उन पर हमने उन्हें बता दी है, वो मुख्यमंत्री जी से बात करके हमें बताएंगी। अभी हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पर आगे गाड़ी भी है ना, किसी भी तरह की कोई भी हिंसा नहीं होगी, शांतिपूर्वक तरीके से हमारा सत्याग्रह चलेगा और हमें एकजुट होकर रहना है। चाहे कोई कितना ही उत्तेजित करे, कितना ही कुछ करे, हमें मौन धारण करके बैठ जाना है। हम लोग शहीद स्मारक की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों हमारे अभी हजारों छात्र वहाँ पर शहीद स्मारक में उत्तराखंड राज्य जो DM ऑफिस के बगल में है शहीद स्मारक वहाँ पर बैठे हुए हैं और जो भी छात्र लाइव सुन रहे हैं इसे शेयर करें और शांतिपूर्वक तरीके से आए, कोई नहीं रोक भाई लोगों, हल्ला नहीं करना है, बिल्कुल शांत तरीके से बैठे रहना है और जो भी जुड़ रहा है और मतलब वहाँ पे कोई किसी प्रकार का वैसा हल्ला नहीं होना चाहिए कि वो लोग हमें वहाँ से हटा सके। ना स्लोगन करना है, ना कुछ करना है, ना नारेबाजी करनी है, क्योंकि अब हमें एकजुट होने का वक्त है। बॉबी भाई जब तक नहीं आते, हर एक युवा, हर एक छात्र और उनके साथ जो 12 और अन्य हमारे साथी हैं, जब तक वो बाहर नहीं आ जाते हमें शांतिपूर्वक प्रदर्शन जहाँ है वहीं पे बैठे रहने हैं। और जो लोग देहरादून में हैं वो लोग शहीद स्मारक पर आए और शांतिपूर्वक प्रदर्शन में हिस्सा लें, न कोई नारेबाजी, न कोई शोर शराबा, सिर्फ शांतिपूर्वक प्रदर्शन। हम चाहते हैं कि सॉल्यूशन हो, बार बार लाठियाँ न चले, न पत्थर चले। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो शेयर करें, हो सकता है कि आगे अभी इंटरनेट बंद हो जाए। DM ऑफिस के पास दून हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे पे है शहीद स्मारक, तो जो लोग भी आएंगे और बॉबी भाई, राम कंडवाल भाई, लुसन भाई और बाकी जितने तमाम साथी हमारे हैं।